हे दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ भारत के इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास से, जो आपके यूपी ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन में अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है वीडियो के या लेखपाल के जो भी होंगे उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो प्लीज़ एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। टोटल 35 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके हमको फॉलो कर सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सारे तरह की तैयारी के जो मटेरियल है स्टेट मटेरियल वहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमें फॉलो कर लीजिए। तो आते हैं आज की वीडियोज़ पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। अगर हम बात करें दोस्तों महाजनी प्रथा के बारे में, तो इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो सत्यपथ ब्राह्मण, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया गया है सत्यपथ ब्राह्मण, इसमें मिलता है। और सत्यपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसके लेखक स्वयं ऋषि याज्ञवल्क्य है, यानी कि याज्ञवल्क्य के बारे में आपने सुना होगा, वो इसके लेखक हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर दो पे। क्वेश्चन नंबर दो आपका है, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्गृत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते जो है महाकाव्य है वो कहाँ से उद्गृत है। तो दोस्तों ये हमारा उद्गृत है मुंडक उपनिषद से, और इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि जो लोग पढ़ते होंगे ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, जानते होंगे, और यूपी ट्रिपल एससी गन्ना पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते महाकाव्य उद्गृत है। क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों, प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो अगर हम बात करें प्राचीनतम वेद की, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद का मतलब क्या होता है, ऋग्वेद को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, उसको इस तरह से कर सकते हैं कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। और ऋग्वेद में पूछा जाता है भाई इसमें कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएँ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10462 ऋचाएँ हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं दोस्तों, वेदों के जो गद्य प्रकरण हैं वो कहलाते हैं हमारे ब्राह्मण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में पूछा जा चुका है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, तो यहाँ पर जो उपनिषद है तो वो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद जो है वो हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। यह वैदिक वाग्मज्ञ के अभिन्न भाग हैं, और इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक व ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है उपनिषदों में। समझ गए दोस्तों, वैसे यहाँ पर आपको क्या रखना है, कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, तो उपनिषद यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है आपका भाई, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है। तो अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, मैंने आपको बता ही दिया है इसमें कितनी ऋचाएँ होते हैं, कितने सूत्र होते हैं, ये भी बता दिया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि किस देवता का सर्वाधिक महत्व दिखता है, तो ऋग्वेद में दोस्तों जो हमारे इंद्र देवता हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्र देव का जो महत्व है वो काफ़ी दिखता है, तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्णन जो है इंद्र का, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी। अशोक के आक्रमण के दौरान जो कलिंग की राजधानी थी वो दोस्तों कौन सी थी, वो थी हमारी तोसाली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अशोक के आक्रमण के दौरान जो कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत जिसको माना जाता था, उसकी राजधानी तोसाली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात अर्थात 90 वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की थी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण .. के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो यजुर्वेद है, जी हाँ, यजुर्वेद के ब्राह्मण के ये मूल पाठ है सत्यपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कहाँ है, वृहत साची स्तूप किस काल से संबंधित है। तो वृहत साची स्तूप जो है दोस्तों वो हमारा मौर्य काल से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वृहत साची स्तूप का जो निर्माण है वो सम्राट अशोक ने करवाया था, और इसका निर्माण 300 ईसा पूर्व में हुआ था, और साची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, और यह क्या ऐसा मान सकते हो, यह अर्धवृत्ताकार जो कटोरा होता है उसके आकृति का बना हुआ है।
क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, चोल झील का निर्माण इसमें से किस शासक ने करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजेंद्र प्रथम ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का जो निर्माण है वो राजेंद्र प्रथम ने किया था। इनकी अन्य उपलब्धियाँ क्या है, लंका के अभियान को पूर्ण कर राजा महेंद्र को बंदी बनाया था तथा पांड्य व केरल के राज्यों में प्रतिनिधित्व भेजा और गंगई कोंड पंडित की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने कभी ये पूछा था गंगई कोंड पंडित की उपाधि किसने धारण की थी, तो राजेंद्र प्रथम यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, भाई मनुष्य जीवन का जो सर्वोत्तम ध्येय है वो कैवल्य है, इसका अर्थ क्या होता है बेसिकली। तो कैवल्य का जो अर्थ होता है वो होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। और जैन धर्म के अनुसार जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त के द्वारा अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कैवल्य कहते हैं। तो जैन धर्म से कई को पूछा जाता है कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये हमारा जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे और जिन्होंने बौद्ध धर्म के 3 संप्रदायों में से एक संप्रदाय महायान की स्थापना भी की थी, समझ गए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्ध का परनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो बेसिकली बुद्ध कौन है, बुद्ध के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ, कई चीज़ें बुद्ध से रिलेटेड पूछी जाती है, जैसे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, इनके जीवन में अगर हम बात करें घटित जो घटनाएं हैं, जैसे जन्म इनका लुम्बिनी यानी कि जो नेपाल में वहां हुआ था, ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया यानी कि बिहार में हुआ था, और इनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण या परनिर्वाण काफ़ी लोग अलग अलग नाम जानते हैं, तो महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हमारी कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। अगर हम बात करें ग्रह त्याग, तो ग्रह त्याग को हम क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण, क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। और ग्रह त्याग जो है स्थल वो राजग्रह, ग्रह त्याग यहाँ राजग्रह में रहते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर परनिर्वाण पूछा है, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, परनिर्वाण याद रखिएगा उनकी मृत्यु को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जैन धर्म के 24वें यानी कि अंतिम तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे सबको पता है भाई महावीर स्वामी थे, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी के पहले जो 23 तीर्थकर जो थे वो जैन धर्म में जो हुए थे, उनमें सबसे पहले जो तीर्थकर थे आप सबको पता है ऋषभ देव थे, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भाई, अगला क्वेश्चन आपका, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। अगर हम बात करें गायत्री मंत्र की, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से उठाया गया है, और इसमें जो निहित गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में ये किस देवता को समर्पित है। दोस्तों ये सावित्री जी को, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में निहित गायत्री मंत्र जो है सविता या सावित्री बोलते हैं सावित्री देवता को समर्पित है, और इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, देखो मंडल की बात हो गई है तो 10 मंडल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी। तो गुप्त काल की जो प्रसिद्ध महिला शासक थी दोस्तों वो थी प्रभावती गुप्ता, या जी हाँ गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका जो थी वो प्रभावती गुप्ता थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रभावती गुप्ता जो थी वो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वकाटक वंश यानी कि जो महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। तो देव नाम प्रिय नाम जो है दोस्तों अशोक को दिया गया था। इनके अभिलेखों से मिलता है कि उनको देव नाम प्रिय नाम से पुकारा गया था या संबोधित किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है। तक्षशिला शहर वैसे तो आपका पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नदियों की बात करें तो सिंधु और झीलम नदी के बीच स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, चलिए अगला मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो आपको कमेंट करके बताना है, ये आपका पहला होमवर्क होता है, अभी क्वेश्चन बहुत है, अभी तो आधे पहुँचे हो। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि ये आंसर तो काफ़ी लोग जानते होंगे। कुल 18 पुराण हैं जिसमें से 5, अब ज़्यादा नहीं, अब इसमें से आपको कमेंट करके बताना है इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ज़्यादा हिंट दूंगा तो आप आंसर वैसे बता दोगे। अगला क्वेश्चन है आपका,
वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वह स्थल जहाँ पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह स्थल क्या कहलाता है दोस्तों? वह स्थल प्रयाग, यानी कि इलाहाबाद जो है प्रयाग, यानी कि जहाँ पर प्रयाग नदी स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। समझ गए? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक दोस्तों अगर हम बात करें तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण था बौद्ध ग्रंथों में, और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इनमें से एक था हमारा विनय पिटक, और एक था हमारा सुत्त पिटक, और एक था हमारा अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा बौद्ध धर्म संबंधित है ये हमारा, और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके ज्ञानों को संकलित कर लिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं, कालीबंगन है, रोपड़ है, पाटलिपुत्र है, लोथल है। तो हमारा जो पाटलिपुत्र है वो संबंधित नहीं है, पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र ये पटना का पुराना नाम है, तो यही जो आपका है संबंधित नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल से प्राप्त वस्तुएँ जो हैं वो समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की मूर्ति, ये सब प्राप्त हुई थी। रोपड़ से जो प्राप्त वस्तुएँ थी, रोपड़ से क्या क्या प्राप्त हुआ था? तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, और कालीबंगन की अगर हम बात करें तो यहाँ जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुए थे। तो ये सारे सिंधु प्रदेश से संबंधित है, सिंधु घाटी से संबंधित है, परंतु पाटलिपुत्र जो है वो बेसिकली पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभाएं हुई थी, जहां पर पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है, ये सब चीज़ें जान सकते हो, तो ये संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो तमिल साहित्य है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तमिल साहित्य जो है वो हमारा साहित्य संगम के रूप में प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि जो थे वो दोस्तों हमारे थे पुष्यमित्र सुंगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद जो पतंजलि थे वो शुंग वंश के संस्थापक भी है हमारे पुष्यमित्र सुंगा, इनके गुरु थे। समझ गए? आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? अशोक के प्रधान शिलालेखों में जो सबसे बड़ा शिलालेख है वो हमारा 13वां है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का जो अवशेष है दोस्तों वो मिला था हमारा सुरकोटदा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुरकोटदा या सुरकोटडा भी बोलते हैं इसको, डा लास्ट में लग जाता है। और ये बेसिकली कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक अनोखी कब्रह के अवशेष प्राप्त हुए, और लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए थे। समझ गए? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, निम्नलिखित में से मौर्य काल को का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य काल का जो सर्वोत्तम प्रतिमान है दोस्तों वो हमारा स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सर्वोत्तम कला बोल सकते हैं, सर्वोत्तम प्रतिमान बोल सकते हैं, वो स्तंभ में ही दिखाई पड़ते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्यधीन नहीं था? अशोक के साम्राज्यधीन कौन सा नहीं था? तो अगर हम बात करें अशोक की, तो यहाँ पर कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक और कामरूप में जो हमारा ऑप्शन डी है कामरूप, ये हमारा अशोक के साम्राज्यधीन नहीं था। जी हाँ, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कामरूप वैसे असम का पुराना नाम है, ये भी याद रखिएगा। कामरूप क्या है? असम का पुराना नाम है, और ये हमारा मौर्य साम्राज्य के अधीन में नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, योग वेद। तो यहाँ पर उपवेद में हम बात करें तो योग वेद जो हमारा, ये हमारा कोई उपवेद नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र और आयुर्वेद ये सारे हमारे उपवेद हैं, और जबकि योग वेद जो है वो वेद नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और जान लो, जो धनुर्वेद है किस वेद का उपवेद है? तो ये यजुर्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद हमारा ऋग्वेद का उपवेद है। और आपको ये बताना है, चलो एक चीज़ तो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कि शस्त्र शास्त्र किस वेद का उपवेद है, कमेंट करके बताना आपको।
अगला क्वेश्चन आपका, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि पतंजलि, उनके ही नाम पे तो इतना सारा मतलब इसमें पतंजलि की चीज़ें आ रही हैं, योग तो दर्शन के जो हमारे प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि थे, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल, थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है, और दोस्तों ये लिखा गया है कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस जो है वो 4वीं शताब्दी में रचित संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है, इसके रचयिता विशाखा दत्त हैं। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है, और इस ऐतिहासिक नाटक को हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। समझ गए, कई सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो अशोक के कौन से शिलालेख में नहीं किया गया था भाई? तो अशोक के जो सहबाजगढ़ी, यानी कि ऑप्शन जो बी है सहबाजगढ़ी, इस वाले शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो वैसे सहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल भी है जो पाकिस्तान के मर्दाना जिले में स्थित है, और यह स्थल जो है 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए, 3वीं शताब्दी में, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वैदिक देवता जो इंद्र हैं वो किसके देवता हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप सबको पता है कि इंद्र जो हैं वर्षा वर्षा नहीं होती, लोगों की पूजा वूजा करते हैं, तो ऑप्शन सी वर्षा और चक्रवात के देवता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, और अगर हम बात करें इनके अलावा, ये वैदिक जो देवता इंद्र हैं इनका वेदों में सर्वश्रेष्ठ देवता भी माना जाता है, याद रखिएगा इनके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? चलो भाई, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों कन्नौज से पहले हर्षवर्धन जो थे वो थानेश्वर, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थानेश्वर के शासक थे, तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन में बैठा था, और बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। समझ गए, अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क दे ही चुका हूं, तो आपको उसी का आंसर कमेंट करके बताना है। इसके अलावा एक मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि शस्त्र शास्त्र किससे संबंधित है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूं कि जो विक्रम संवत है वो हमारा 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो मैंने दो होमवर्क दिए हैं वो आपको कमेंट करके बताना है उसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर जो प्राचीन इतिहास से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं अगला लाऊंगा पार्ट, अगले कल या परसों आ जाएगा आपको, क्या बोलते हैं, मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको हो सकता है 2-3 पार्ट में लाना पड़े, बट वहाँ से मध्यकालीन भारत से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 100 क्वेश्चन तो कम से कम बनाना ही बनाना है, 100 नहीं बना तो कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो आपको मैं इंपॉर्टेंट बिल्कुल जो कई बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में वो मैं आपको ला करके दूंगा। तो यार वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्यों नहीं लाइक किया भाई, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आपको पता कैसे चलेगा। तो यार बस अभी के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन डियर गुरुजी।